नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। चाल दाल आलू प्याज तेल साबान मुड़ी वितरण करते कत लोग के 42-43 जन टोटल 45 जन। और इससे पहले भी कहीं पे आप लोग दिए? इससे पहले तो चालू जब से बंद है तभी से हम लोग अपने पास से जितना शक्ति हो रहा कर रहे हैं, कहीं और से भी ला के सेवा करने की कोशिश कर रहेगी। आपका नाम क्या हुआ? गौतम विश्वास। कहाँ के रहने वाला है? सीताराम। धन्यवाद। এখানে যারা থাকে এরা বলছিল দিদি আমাদের অবস্থা খুবই খারাপ, কোথাও থেকে আমাদের সাহায্য হেল্প আমরা পাইনি, তাই আমি নিজের কাছ থেকে যতটা আমরা পারলাম আমরা সব চেষ্টা করলাম হেল্প করার। চাল সোয়াবিন বিস্কুট মুড়ি আলু তেল এগুলো সব আমার। আপনার নাম কি হলো? আমার নাম রীনা বিশ্বাস। ভাটাতে তো কেউ দিয়ে যায় না, সে গৌতম দা এসে নিয়ে দিয়ে গেছে, ওর অনেক ধন্যবাদ। কি কি পেলাম আপনি? চাল আছে, বিস্কুট আছে, মুড়ি আছে, আলু আছে, বিস্কুট সাবান আছে, সব দিয়েছে, তেল আছে, সেই জন্য ওরা থেকে দিলে থেকে বলছি ধন্যবাদ। ফল ওয়েলকাম ইন আওয়ার চ্যানেল। ম্যাডাম আপনার নাম কি হওয়া? मेरा नाम रीना विश्वास। आप तो कुल्टी में रहते हो ना? हाँ, कुल्टी सीतारामपुर। आपकी शादी कब हुई थी? 10 साल पहले। 10 साल पहले हुई थी। ये जो लॉकडाउन आया, हम लोगों ने देखा कि गरीबों में मायूसी छा गई, क्या लगा आपको फिर उसके बाद लॉकडाउन में क्या करना चाहिए लोगों के लिए? बोलबो আমরা ভাবলাম যে এত মানুষের অনেক দূর দূর থেকে সব লোক এখানে আছে, অনেকে আছে যাদের রেশন কার্ড নেই, তারা কিছুই পাচ্ছে না, অনেক জায়গায় এরকম আছে যারা কোনো সাহায্য হেল্পও পাচ্ছে না। তো আমি ভাবছি যদি আমি কিছু তাদের খাবার দিয়ে এবং কিছু দিয়ে যদি সাহায্য করতে পারি, তো ওটাই আমি চাইছি যে কিছুটা ওদের হেল্প করতে যেটুকু পারি ওইটুকু মানে হেল্প করার চেষ্টা আমরা করছি এবং করছি। কি কি হেল্প করেছে মানুষকে? আপনারা মানুষকে আমরা ঘর থেকে আমরা চাল ডাল সাবান তেল সোয়াবিন এগুলো দিয়েছি, অনেককে আমরা খাবার পৌঁছেছি এইগুলো, কিছু কিছু লোককে আমরা মেডিসিন কিনে দিয়েছি যারা খুবই অসুস্থ মেডিসিন কিনতে পারছে না, কিছু কিছু 2-3 মাসের বাচ্চা আছে তাদেরকে দুধ কিনে দিয়েছি, এগুলো করেছি। যখন আপনারা হেল্প করেছেন তার মানুষ হেল্প পায় পড়ে কি রকম ফিল করছে? খুব ভালো। ওরা বলছে যে এরকম দিদি আর গৌতম দা এরকম আছে বলে আমরা অনেক সাহায্য পাচ্ছি, তারপরে নিজেদের আশপাশের পড়োশী এদের ঘর কন্টিনিউ চাল ডাল আমরাই দিচ্ছি। এখন তো 2 মাস হচ্ছে লকডাউনে, আরম্ভ কখন থেকে করেছেন? আমরা 2 মাস থেকেই করেছি, তার আগে এমনি আমরা অনাথ আশ্রমে বাচ্চাদেরকে কিছু মানে দান হেল্প ড্রেস বই খাতা এগুলো দিয়েছি, মানে লকডাউন আগে থেকেও আমরা এসব করেছি। আপনি কি রকম খবর পাইছেন ওখানে একটা রিকোয়ারমেন্ট আছে মানে কিছু হবে কিছু? আমরা ফেসবুক থেকে অনেক নম্বর নিয়ে যোগাযোগ করি, যেরকম সুপ্রিয় দা হলো আমাদের, ওনার সঙ্গে যোগাযোগ করে এইসব করে আমরা হেল্প করি। इस मुसीबत की घड़ी में हम लोगों ने देखा कि जहाँ पे बहुत सारे लोग भाग गए हाथ छोड़ के, लेकिन आपको देखें कि आप एज ए फैमिली अपने वाइफ के साथ आप लोगों की मदद करते रहे, आपके माइंड में कब आया कि लोगों को मदद करना चाहिए? देखिए, जो हम लोग का जगह है ये गरीबी वाला ही जगह है, ये अमीरी वाला जगह नहीं। और जो लॉकडाउन हुआ है इससे तो समझ में आता है कि आदमी को परेशानी बढ़ गई, काम कर नहीं सक रहा था कोई भी, और कोई बड़ा आदमी था भी नहीं, अब इतना ही ज़्यादा गरीबी था कि खुद ब खुद आदमी सामने आ जा रहा हम लोग के सामने, अब बोल रहा किसी घर में खाना नहीं। तो हम और अपने फैमिली से बात की, हम लोग बात करके हम लोग जितना हो सका, पहले तो हम लोग घर से मदद किए, फिर हम लोग किसी के सामने खुद बोले कि देखिए ऐसा ऐसा ज़रूरत है, जैसे किसी दरबार से आया, दरबार बोल रहे हैं ये आपको जाके गुरुद्वार से आया, वहाँ से खाना, हम लोग का नामतपुर आई सी जो पुलिस है वो बहुत सारा हेल्प किया हम लोग को यहाँ पर। अच्छा, हम लोग अपने काउंसिलर को ही बोले, वो भी एक बार हेल्प किए। बाकी देखिए, अब उन लोग के हाथ में तो नहीं है, जितना हो सक रहा है उन लोग करें और जितना ज़्यादा कोशिश हो सक रहा है हम लोग अपने पास से कर रहे हैं। जब आप स्टार्टिंग किए थे तो आपको लगा था कि इतने लोगों को मदद मिलेगा, एक बहुत बड़ा मुसीबत की घड़ी है, ये टारगेट तुम पार कर लोगे 2 महीने? देखिए, स्टार्टिंग में तो लगा ही नहीं था कि इतना लंबा मुसीबत आएगा, हम सोचे थे 21 दिन का है, 21 दिन चलो कैसे भी करके हम लोग खुद से कर लेंगे, 21 दिन तक तो खुद से हम लोग लड़े, उसके बाद फिर जब देख रहे कि अब ये मुसीबत और ज़्यादा बढ़ रहा है,
तो हम लोग भी किसी के सामने हाथ फैला रहे, उस उधर से करके उन लोगों से बोल रहे हैं कि देखिए इस जगह पे ज़्यादा परेशानी है, हम लोग अपना राय देके वहाँ पे हेल्प पहुँचा रहे हैं। हम लोग अपना NCC क्लब के द्वारा भी कुछ है, हम लोग के दोस्त यार हैं, उन लोगों के साथ मिलकर जगह जगह जाके हम लोग हेल्प कर रहे हैं। आप जो मांगे अपने लिए, दूसरों के लिए मांगे, दूसरे के आंसू पोंछने के लिए मांगे, उन लोग हेल्प किए, उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? उन लोगों को तो बहुत धन्यवाद देंगे, और हम तो चाहते हैं कि ऐसा आदमी और भी रहे जो लोगों का हेल्प करे, क्योंकि इस मुसीबत का घड़ी में जो हेल्प कर रहा उससे बड़ा भगवान और ऊपर वाला कोई नहीं हो सकता। आप ये जो मुसीबत आई, सडन आई, किसी के कंसेप्ट में भी नहीं था कि ऐसा आएगा, लेकिन क्या लगता कि आने वाले दिनों में ऐसा कुछ होना चाहिए कि जब मुसीबत आए तो कुछ लोग हेल्प करें, ऐसा कुछ संस्था? एकदम एक संस्था ऐसा बनना ही चाहिए। जैसे देखिए अब तरह तरह का फंड आता है, तो एक फंड ऐसा रहना चाहिए कि सिर्फ गरीब लोग के लिए, जो गरीब लोग को राशन नहीं तो कम से कम खाना दो टाइम को खुद से जाके पहुँचाए। लगता है कि राशन बेच रहा है या कहीं छुपा के रख दे रहा है, झूठ बोल रहा है, तो आप खाना घर घर जाके पहुँचाओ ना आप लोग मिलकर। बेसिकली जिस एरिया में आप हेल्प कर रहे हैं वहाँ हम लोगों को देखा कि राशन कार्ड भी नहीं है। हाँ, बहुत राशन कार्ड नहीं है। क्या लगता है सरकार को इस तरफ? देखिए राशन कार्ड अभी आप बता दे रहे, यहाँ जो ये जो महिला लोग, यहाँ महिला का बात करते हैं, अब महिला लोग यहाँ जो आती है वो तो घर में बोल कर आती कि किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी जगह काम कर रहे हैं, तो यहाँ से वो हर महीने अपने घर में पैसा भेजती थी। अभी लॉकडाउन के कारण एक तो महिला यहाँ फंस गई, प्लस उसका फैमिली भी इंतजार कर रहा कि पैसा नहीं मिल रहा, महिला भी यहाँ भूखा रह रही है और उसका फैमिली भी वहाँ, तो सरकार को कुछ ना कुछ यहाँ के लेकर के रास्ता निकालना चाहिए। आप जब दूसरे को आंसू पोंछ रहे हो, कैसा लग रहा है उसको चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर, खुशी देखकर? उसका खुशी देख के तो मतलब जो हम लोग को जो थोड़ा बहुत टेंशन जो रहता है वो हम लोग भूल जा रहे हैं, उन लोगों को परेशानी, मतलब उन लोग थोड़ा सा हंस दे रहा ना तो क्या बोले, और इतना जो दुख उन लोग का देख के बर्दाश्त भी नहीं होता कि क्या बोले। लॉकडाउन में लोगों की रोजगार बंद है, काम बंद है, मायूस हो गए हैं, उसके लिए क्या मैसेज है तुम्हारा? मैसेज तो यही देंगे सरकार को, किसी तरीके से इन लोग के लिए सोचना चाहिए, इन सब के लिए, कि हम लोग का जो गरीब तबका है यहाँ पे मतलब देखने वाला कोई भी नहीं। अच्छा, नीचे वाला के हाथ में उतना पावर भी नहीं है, जो हम लोग अगर नीचे के नेता लोग को बोलेंगे तो गलत होगा, क्योंकि सब हाथ ऊपर वाले के हाथ में, अब ऊपर वालों को ध्यान देना जरूरी इन लोगों को। लॉकडाउन का जो हमारा सिचुएशन तो देखे थे, ये सिचुएशन में आपने की एक्सपीरियंस पाई थी? लॉकडाउने हमें जे रकम देखलाम जे मानुषेर एरकम माने अनेक ভাবা জানি যে তাদের এরকম কষ্ট, তাদের কষ্ট দেখলাম আমরা। তো আমি যেরকম আমার হাজবেন্ডকে বলে সবাইকে হেল্প করার করছি এবং চেষ্টা করছি আরো করব। তো এরকম আমাদের মতো আরও অনেকেই আছে, তারাও যদি চায় হাজবেন্ডের কাছে পারমিশন নিয়ে এরকম হেল্প করার জন্য, তাহলে অনেক মানুষের কিছু দুঃখ কষ্ট কম হবে। তো এটাই আমি চাইছি যে আমার মতো এবং যাদের কিছু করা হেল্প করার ক্ষমতা আছে তারাও যেন এই হেল্পটা করে। আমরা দেখছি অনেক বউ আছে কিন্তু ওর হাজবেন্ড পারমিশন দিচ্ছে না, তাদের কি বলতে চাই? তাদের হাজবেন্ডের কাছে রিকোয়েস্ট যে না, তাদের ওয়াইফকে পারমিশন দিক যে হ্যাঁ কিছু গরিবকে চলো 10 টাকা না পাড়ুক, কমসে কম 5 টাকা তো কিছু খাওয়াক, তো 5 টাকা তো হেল্প করুক, আশপাশেরই দেখুক, এতে কিছু কম হবে।